नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार समेकित विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है। वहीं उन्होंने GST कंपनसेशन को जारी रखने की मांग की। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री सुरेंद्र यादव को उनके विवादित बयान को लेकर सदन में घेरा। विपक्ष ने मंत्री चंद्रशेखर और इसराइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भी हंगामा किया। आज दिन भर की गहमागहमी को जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव कमल पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आज बजट पेश किया गया बिहार का, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहा, एक बार फिर से JDU ने विशेष राज्य के मुद्दे को उठाया, GST में कंपनसेशन की मांग की, लेकिन इन सब के बीच में सुरेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और इसराइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भी काफी हो हंगामा हुआ। देखिए, आज बजट सत्र जो बजट पेश किया गया, जिसमें विजय चौधरी ने बजट जो पेश किया, जो बिहार सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं कि बजट दोगुना किया गया है, बजट में प्रावधान किया गया है, लगभग 4.5 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है कि इस बजट में 4.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी युवाओं को। तो एक तरीके से इसको अगर सरकार के चश्मे से देखा जाए तो बजट बहुत बड़ा माना जाएगा। और नौकरियों बात हमने पिछले दिन ही कहा था कि नौकरी इसमें बजट में प्रधान होगा, हर एक विभाग में नौकरी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग या तमाम ऐसे विभाग जो इसमें पद खाली है उसको लेकर सरकार 4.5 लाख नौकरी की बात कर रही है और एक बड़ा बजट बताया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार पर भी एक तरीके से आरोप लगाते हुए ये कहा कि बजट में जो लोग केंद्र सरकार के कहते हैं कि ज्यादा उसमें हिस्सेदारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और जो बिहार सरकार है अपने सीमित संसाधन में काम कर रही है और इसी तरीके से काम कर रही है। लेकिन आज जो बजट ओवरऑल हम अगर बात करेंगे कि विपक्ष बजट सत्र में जिस तरीके से चर्चाएं जो रही वो सुरेंद्र यादव की रही, चंद्रशेखर की रही और आपको इसराइल मंसूरी की रही, जहां विजय सिन्हा हो आरोप सीधे सीधे ये रहे कि इसराइल मंसूरी का जो FIR हुआ है उसको बदला गया है और उसको कहीं ना कहीं बदलने का ये सरकार की जो हंसा है कि इसराइल मंसूरी और वो विधानसभा में पहुंचे हैं तो उसको लेकर वो एतराज जताते हुए कहा कि कैसे एक FIR हुआ जिसे अपराधी पर माना जाए कि उस पर वो कैसे विधानसभा में आके पहुंचा है, बैठा हुआ है, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जानबूझ के सरकार FIR बदली है। इसको लेकर भी सत्ता पक्ष ने कहा कि उनको चश्मा बदलना चाहिए, FIR किसी को सरकार ये बचाती नहीं है। नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि किसी को ना बचाते हैं, हम ना किसी को छोड़ते हैं। ये कानूनी अगर पहलू है तो आप जाके कोर्ट में उसको शिकायत कीजिए, कोर्ट में जाके करिए। एक तरीके आज जो पूरी जो विधानमंडल की चर्चा मतलब विधान परिषद में कह भी ले उसमें भी एक तरीके थूतीमय में हुई भी सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में, जहां RSS के प्रमुख को लेकर उस पर चर्चा की गई कि जो उन्होंने कहा था कि RSS के प्रमुख ने कहा था कि जो हमारे जो श्रम सेवक है उसको 3 महीने तैयार होने में लगता है और सेना के तो जो सेना के जवान उनको तैयार होने में कई दिन लगते हैं। तो मतलब उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि घेरते की कोशिश की सम्राट चौधरी को तेजस्वी ने, कहा कि यह आपत्तिजनक नहीं है कि जो आप बार बार एक सुरेंद्र यादव के मंत्री को नाम लेकर वो आपत्तिजनक बयान कह रहे हैं कि ये आपत्तिजनक ज्यादा है कि वो आपत्तिजनक, उसको लेकर तो मैं फिर स्थगित हो जाता है। फिर इधर चर्चा अगर विधानसभा की करें तो एक बार संजीव कुमार हैं जो विधायक हैं जमा करे जदयू के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हिंदुओं का अपमान है जो रामचरितमानस और तुलसीदास के बारे में इस तरीके की जो व्याख्या करता है, बातें करता है, वो मानसिक रोगी है और मानसिक रोगी को इलाज कराने की जरूरत है। जितने भी सनातनी है, हिंदू है, मैं खुद हिंदू हूं, उनका कहना है कि मैं खुद हिंदू हूं और मुझे आस्था है रामचरितमानस पर और पूरी तरीके से ये हिंदुओं पे ये एक तरीके से घात किया गया है और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, हम ना हम कर सकते। इस पर काउंटर बाइट होता है, खुद चंद्रशेखर कहते हैं कि वो कौन होते कहने वाले, वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं और उन्होंने ये कहा कि उनको इलाज की जरूरत है। सब कोई कहता कि हिंदू के ठेकर, अगर मैं बहुत सारे ऐसे खुलासे करने वाला हूं ऐसे, और जो दलितों का अपमान और जो महिलाओं का अपमान इसमें किया गया है वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। मतलब जो चर्चाएं कह रही है, एक मान के चलिए कि जदयू बनाम राजद भी आपको देखा गया, जहां एक शिक्षा मंत्री और इस तरीके का बयान देना, फिर जदयू की तरफ से भी इस तरीके का बयान देना। कल आपको जो चर्चाएं होंगी, अब
इस पर कहीं ना कहीं सियासत अब तेज होगी चंद्रशेखर के बयान को लेकर। और चंद्रशेखर ने आज भी फिर वही बात दोहराया कि ये रामचरितमानस के जो दोहे हैं दलित अति पिछड़ों के लिए कहीं ना कहीं उसमें नुकसानदायक है, इसको लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है और अब खुद तो जदयू भी मोर्चा खोल रखी है। तो जो पूरी जो गहमा गहमी है, तेजस्वी यादव फिर कहते हैं कि जो उनपे उनके पिताजी पर जो सीबीआई ने जांच उन पर हुई है, फिर उन पे समन किया गया है, तो उसको लेकर कहा कि क्यों नहीं बीजेपी के मंत्रियों पर समन होती है, क्यों नहीं बीजेपी और किसी मंत्रियों पर होती है, बीजेपी के मंत्रियों पर समन होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को केवल ये सरकार घेरने का काम करिए और विपक्ष के ही लोगों को FIR करिए, मनीष सिसोदिया का मामला हो या तमाम जितने भी मामले हो को लेकर जो गहमा गहमी है, बहस हुई, कितने बार स्थगित हुआ, दो बार स्थगित किया गया, तो पूरी चर्चा उभर को जाने के आज बजट सत्र बहुत हंगामेदार रहा इस बार। राजीव, जो बजट पेश हुआ है बिहार का, वो पिछली बार की बजट से बढ़ाकर पेश किया गया है। जो आर्थिक विश्लेषक हैं उनकी राय में बजट कैसा है? अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया मिली होगी, अलग अलग क्षेत्रों से, क्या कहना उनका इस बजट के बारे में? देखिए, बजट जो सरकार बिहार सरकार ने पेश किया है वो उसका आकार बड़ा है, ये कहने की बात सही है, लेकिन आकार में जो रोजगार की बातें कही कि ये भी एक गुस्सा के लिए कि जहां ये बजट जो आप एक अनुमानित बजट पेश किया जाता है, ये पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बिहार में जो शराबबंदी कानून भी लागू है, बालू की जिस तरीके से कहते हैं कि विपक्ष चाहे लोग कहते हैं कि अपराध उसमें अपराधीकरण हुआ है, तो संसाधन कम होते हुए अगर इतने बड़े बजट का अनाउंसमेंट किया गया, उसका कहां से रेवेन्यू आएगा, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके पैसे कैसे मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं संदेह तो जरूर पैदा करता है कि कैसे सरकार इतने बजट को मैनेज करेगी और इतने लोगों को मुहैया कराएगी रोजगार हो, या चाहे तमाम जो विकास के कार्य चल रहे हो, या सड़क या तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जो आपको गणित लोग जिनको समझ में आती है, उन लोगों को कहना है कि बजट तो भले बड़ा है, सरकार ने बजट बड़ा किया है, रोजगार भी देने की बात कही है, लेकिन धरातल कैसे उतरता है तो सरकार बताएगी। लेकिन एक बात साफ है कि जो बिहार सरकार में आर्थिक तौर पर समझदार वो लोग कहते हैं कि ये उतनी बजट के जो आप इनकम टैक्स भी सरकार के पास उतना नहीं आता है जितना इसमें बजट में बड़ा दिखाया गया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा भले अच्छी करने की हो, लेकिन धरातली कहीं से बजट जो बजट का आकार बड़ा है वो कहां से पैसे आएंगे ये सरकार बताएगी। लेकिन ऐसा बिहार में कोई ऐसा विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ है और कोई कारखाने और कल कारखाने लगने वाले नहीं हो रहे हैं, तो कहां से ये बजट आएगा तो बिहार सरकार ही बताएगी, उन पर भी कहीं ना कहीं संदेह तो जरूर है। इधर बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मुजफ्फरपुर मामले में मंत्री पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और पुलिस के आला अधिकारियों को जांच करने को कहा गया है। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि इस पर जो शिकायत की गई उस पर जांच चल रही है, इस पर आप लोग को ज्यादा नहीं कर, लेकिन विपक्ष के आरोप है कि इसमें FIR बदला गया है, उसको लेकर वो बार बार चर्चा कर रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे थे कि FIR चेंज हुआ, वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, SSP से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इधर सत्ता पक्ष भी कह रही है कि ये लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और राजनीतिक तौर पर अगर ऐसा हुआ है FIR चेंज हुआ तो कोर्ट में केस कर दीजिए इसराइल मंसूरी के खिलाफ, अगर कोई बचाने वाला नहीं है, नीतीश कुमार खुल के कह चुके हैं अगर वो दोषी है तो कार्रवाई होगी और उनको कोई भी नहीं बचाएगा। इस पर नीतीश कुमार हो या चाहे तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, उनको जानबूझ के बचाया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष पूरा हंगामा उस पर होता रहा, सुरेंद्र यादव पर भी होता रहा, उनके बयान को लेकर सेना को मनोबल गिराते हैं, ऐसे पर उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए, तो इस पर चर्चाएं आज दिन भर हलचल इसी बात पर होती रही और विपक्ष आरोप लगाता रहे कि ये केवल सरकार है खानपूर्ति कर रही है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पर भी अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और लगातार इसे लेकर हंगामा भी है। जिस तरह से हंगामा रोज हो रहा है, यानी विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं राजीव कमल, और इन मुद्दों को लेकर आगे भी हंगामे के ही आसार हैं। जरूर, ये हंगामा इसलिए कि जो बातें चर्चाएं हो रही हैं आज बजट में हुआ कि जैसे सुरेंद्र यादव का, अब शिक्षा मंत्री का एक नया आ गया है, क्योंकि जो बात विवाद अब जो बीबे बी
बीजेपी से, अब जदयू बनाम अब राजद हो गया है। जदयू के विधायक बोल दिए कि ये हिंदू का हिंदू के बारे में बोलना, पूरे सनातन के बारे में बोलना ये कहीं से जायज नहीं है। तो एक नया जो ये चेंज आ गया कि अब जदयू बनाम राजद हो गया है। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि जो ये गुंडा राज चल रहा है, गुंडा को संरक्षण दे रही है सरकार, उसमें नाम बाकायदा बोले जा रहे हैं कि जिस तरीके से सेना का अपमान होता है, या जो इसराइल मंसूरी है उनके अपराध को लेकर यह बचाया जा रहा है। तो इसको लेकर आज पूरे दिन ये चलती रही है, कल भी ये चर्चा ये जरूर चलेगी, क्योंकि विधानसभा विपक्ष के तौर पर ये कहा गया कर कार्रवाई नहीं होते। वहीं विधान परिषद में भी स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, सेना के जो बयान दिए थे सुरेंद्र यादव मंत्री ने इस तरीके के, उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया था, उसमें हंगामा हुआ, तेजस्वी यादव के साथ नोकझोंक भी हुई सम्राट चौधरी क्यों। तो आपको कल का भी जो अगर दिन होगा तो उसमें ये हंगामा जरूर होगा, क्योंकि मांग है कि दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए और उस पर कार्रवाई। चलिए शुक्रिया राजीव कमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी बजट सत्र का बजट पेश किया गया बिहार का, और ये भी काफी हंगामेदार रहा, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते नजर आए। विधायक सदन के अंदर भी काफी हंगामा हुआ, जहां सदन में वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बजट का आकार बड़ा रखा गया है, लेकिन ये जो बजट का आकार बढ़ा है इसके लिए आय का स्रोत क्या है इसके बारे में स्पष्ट कुछ जानकारी नहीं मिली, जिसे लेकर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें, और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 5 स्कोप ऐप।